21 साल से इंसान का खून पी रही है महिला। ये चौंकाने वाले खुलासे। आज तक आपने इंसानों के कई अजीब और गजीब शौकों के बारे में सुना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड की रहने वाली 38 वर्षीय जोन जीना के शौक के बारे में सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। जी हाँ, इस महिला को इंसान का खून पीने का शौक है और खुद को रियल लाइफ वैम्पायर बताती हैं। जॉर्जिना ने बताया कि वे टू ब्लड और वैम्पायर डायरी जैसी कई फिल्मों और टीवी शोज देखती हैं, जिन्हें देखने के बाद उनके अंदर खून पीने की इच्छा बढ़ती चली गई। उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने 12 साल की उम्र में खून पिया था, जिसके बाद 17 साल की उम्र में एक ऐसी लड़की मिली जिसने मुझे कई दिनों तक अपना खून पिलाया। बाद में कई और लोग मेरी लाइफ में आए जो मुझे अपना खून पिलाने के लिए तैयार थे। जॉर्जिना ने कहा कि ब्रिस्बेन में ब्लास्ट लास्ट बॉल इवेंट में मेरे जैसे कई लोग आते हैं। इस दौरान मेरी मुलाकात जेमल से हुई, जो वर्तमान में जॉर्जिना के बॉयफ्रेंड थे। तब उसने बताया कि उसे सर्जरी और चाकू से डर लगता था। हालांकि अब मैंने उसके खून को पीने की इच्छा जाहिर की तो वह बिना डरे तैयार हो गए। जॉर्जिना ने बताया कि हम पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और वह हर हफ्ता मुझे अपना खून पिलाता है। वह हमारे रिलेशन को लेकर भी काफी ईमानदार है, लेकिन अगर उसने किसी और को अपना खून पिला दिया तो मैं शायद बर्दाश्त ना कर सकूं। बता दे, खुद को रियल वैम्पायर बताने वाली जॉर्जिना कई बीमारियों की शिकार है। वे कहती हैं उन्हें एनीमिया के साथ साथ थैलेसीमिया है, जिसकी वजह से उन्हें खून बहता है। इतना ही नहीं, वह मेडिकल डिसऑर्डर की भी शिकार है, जिसकी वजह से वह धूप में नहीं निकल सकती क्योंकि उनकी स्किन पर सूजन आ जाती है। उनका कहना है कि इसी वजह से वह ज्यादातर घर में रहती हैं, लेकिन फिल्म की तरह धूप को देखकर डरती नहीं हैं। जॉर्जिना के अलावा दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बेस्टमेयर की तरह खून पीते हैं, जिसमें अमेरिका के माइकल बेस्टमाइल जो अपनी गर्लफ्रेंड का खून पीते हैं। वहीं ब्रिटेन में रहने वाला प्रेमी जोड़ा आरो ड्रेवर एक दूसरे के खून से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये थी ऐसी न्यूज की रिपोर्ट।